ये हमारी इवनिंग की चाय, और हम चाय के साथ खा रहे हैं बिस्किट्स, और ये घर वाला बिस्किट भी है जो कि मम्मा ने बनाया था सूजी और गुड़ मिक्स करके। सो हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, एंड दोज आर न्यू, वेलकम टू माय चैनल। आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ शाम से हाँ, और डायरेक्ट जा रही हूँ किचन के अंदर, क्योंकि आज दीदी बनाने जा रही है चिकन पुलाव ना की पुलाव। अच्छा, पुलाव और चिकन, पुलाव बनाएगी और चिकन बनाएगी। है वो किस तरह से बनाती है, और वैसे भी सब मतलब ये सब तो रेसिपी आपको यूट्यूब में मिलते रहेगा, पर सबके बनाने का तरीका अलग अलग होता है, जैसे कि मैं बोलती हूँ। सो देखते हैं वो किस तरह से बनाती है। तो चलिए फिर मेरे साथ किचन के अंदर। आ चुके हैं किचन में। यहाँ किचन का थोड़ा लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम है, थोड़ा लाइट की कमी है, यहाँ पे ठीक से लाइट पड़ता नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, हम मैनेज कर लेंगे। ऑलरेडी पुलाव बनाने के लिए सारे प्लेट में मसाले वसाले डाल के रखे हैं, ठीक ठाक कर लेना। ये की कड़ी पत्ता, कितना छोटा छोटा कड़ी पत्ता। तो यहाँ पे कड़ी पत्ता, प्याज, सूखी मिर्च, जीरा, ये क्या है, जालू, इलायची, गोल मिर्च और इलायची और दालचीनी, हाँ ये थोड़े काजू, और ये थोड़े किशमिश, और ये है तेज पत्ता। तो यहाँ पे पुलाव बनाने के सारे इंग्रेडिएंट्स रखे हैं, और यहाँ पे इसने रखा है, ये चिकन बनाने का है शायद, कैप्सिकम भी रखा है, चलो ठीक है। और यहाँ पे चिकन इसने मैगिनेट जो बोलते हैं वो करके रखा है, चावल नहीं हुआ ना, वहाँ हाथ ही लगा दिया मेरा, कोई बात नहीं, ये चावल से धो करके मैंने हाथ से लगा दिया, चलो दोबारा धो लेना पड़ेगा हाथ को। कैमरा का एंगल ही समझ में नहीं आ रहा, कहाँ रखे कैमरा, स्वाद अनुसार कैसे रूप पकाते रहो, अच्छे से पकाओ, फिर मैं खा के बताऊंगी कैसा हुआ है। पाउडर ये चिकन बॉईल कर रखा है इसमें, वैसे ये इतना चिकन वगैरह बनाती नहीं है क्योंकि उसको आता नहीं है, गजब बेइज्जती है। किचन का काम नहीं, वैसे ये इतना खाना वगैरह बनाती नहीं क्योंकि मम्मी ज़्यादा बनाती है, क्योंकि मतलब ये बनाती है, इसको आता है, ये नहीं बोलूँगी मुझे नहीं आता, मेरे से तो काफ़ी अच्छे से आता है इसको बनाना, लेकिन इसका बनाया हुआ ज़्यादातर मैं खाती नहीं हूँ, पता नहीं क्यों, मुझे मम्मी का ही पसंद आता है, होता है ना सबको मम्मी का पसंद आता है, पर ये इसका प्याज बनाती तो मैं इसका खा लेती हूँ। करी पत्ता, सबसे ये घर पर ये शायद दूसरी बार बना रही है ये चिकन, लेकिन ज़्यादातर तो मम्मी बनाती है, होता है ना क्या बोलते हैं, शादी के बाद वो खुद से बना के हो आदत, मतलब वो ज्यादा खा के पक जाता है इंसान, तो वैसा इसका सिचुएशन है, खुद से बनाती तो थोड़ा सा अलग सा, मतलब मम्मी के हाथ का बना हुआ खाने का मन करता है, तो इसी वजह से ना जब से यहाँ पे आई तब से मम्मी को बोलती हूँ आप ही बनाओ, आप सारा काम करेगी, सिर्फ मम्मी को बोलिए आप किचन में खाना बनाओ, बाकी का वो सारा काम वो संभाल लेती है, तो वो सिर्फ खाना बनाती है, और मम्मी खाना बनाती है, बाकी का घर का काम करती है, और मैं बैठे बैठे रील्स बनाती हूँ। अभी मसाला पक चुका है, अभी डालने वाली है ये, इसमें ना ये सब मिक्स है, इसमें ये ना मम्मी ने खुद से पीस के रखा हुआ मसाला, इसमें ना क्या क्या है, इसमें जीरा, धनिया पाउडर, जीरा धनिया ना, तो जो साबुत मिलता है ना जीरा और धनिया, उसको क्या करते हैं हम बाजार से लेके आते हैं और धो के सुखा देते हैं, उसके बाद मम्मी मिक्स में पीस करके ना एक डिब्बे में, मतलब ग्राइंड करके रखती है, डिब्बे में मसाला तैयार करके रखती है, वो घर का ही होता है बेसिकली, बोला जाए तो घर जैसा ही होता है, वो जो बाहर में जो मिलता है ना पैकेट वाले, वो ज़्यादा हम इग्नोर ही करते हैं, खाते ही नहीं है ना के बराबर ये, क्योंकि उसका स्मेल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉग होता है, जो मुझे भी पसंद है और मम्मी, हम लोग किसी को भी पसंद नहीं है, हम लोग खाते ही नहीं है उस तरह का, तो ज़्यादातर हम वैसे ही स्टोर करके रख देते हैं, मम्मी वैसे ही रख देती है, और ज़्यादातर हम वैसे ही मसाले ही यूज़ करते हैं, और वैसा मसाला ही यूज़ करना चाहिए आई गेस, पर सबकी अपनी अपनी चॉइस है, उसको जैसा पसंद है। उसमें बेचारे काम वो कर रही है, बर्तन वगैरह हो रही है, और मैं सिर्फ वीडियो बना रही हूँ, फिर भी मुझे भूख लग गया। कैसे बनता है, अभी हमने इसमें 2 चम्मच घी डाला, सबसे पहले 2 चम्मच घी। तो बनाने जा रही है वेज पुलाव, आई थिंक पहली बार ये ट्राई करने जा रही है पुलाव बनाना। अभी हम इसमें डालेंगे जीरा, साबुत,
पहली बार बना रही हूँ और वो भी मैं पहली बार इसका वीडियो कर रही हूँ, कितना डेयरिंग है देखा। आप लोग बना बताना कैसा हुआ है देख के। इसमें इलायची 2 लौंग, लौंग 3 लौंग। अच्छा 2 इलायची 3 लौंग। इसके बाद ये रुको जरा सबर करो। सूखी मिर्ची आप नहीं भी डाल सकते हो, मैंने डाल दिया, मुझे तो पता ही नहीं कैसे बन रहा है। थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बनता ही नहीं जो ज़्यादातर इसकी डालती नहीं ज़्यादा। भगवान बच्चा यार क्या देखा जाएगा, अच्छा ही होगा, पहली बार बना रही है अच्छा होना चाहिए। देखो क्या खत्म है, इसको डाल देती हूँ। अरे चिकन तो सर 2 दिन में बना लिया है। हेलो, अरे बिजी हो गई है थोड़ा फोन पे, जीजू का फोन आ गया था इस वजह से मैंने सोचा कि थोड़ी देर चलो बात करूँ, और इसी वजह से मैं रूम पे आ गई। तो चिकन तो वैसे वो बनाती रहती है, मतलब से 2-3 बार बनाया है, मुझे खिलाया है, मतलब अभी से मुहब्बत बनाया होगा अपनी ससुराल और जीजू के साथ। पर यहाँ पे इसने 2-3 बार बनाया है और मैंने खाया है, अच्छा ही बनाती है। पर पहली बार उसने पुलाव बनाया है, मतलब फर्स्ट अटैम्प्ट था उसका, सो होप अच्छा बना होगा। और मम्मी से पूछ पूछ के बना रही थी, मतलब कैसा है, अच्छी बनाया है वही बहुत बड़ी बात है ना। यहाँ पे पुलाव बन रहा है, वहाँ पे चिकन हो ही चुका है। अभी तो अपना शक्ल तो दिखा, अभी नहीं खाना तो बाकी है, तेरे शक्ल तो दिखा, तो तेरे पसीना पसीना ना ये नहीं, तेरे नहाएगी ना उसका खाना खाइए ना। हाँ फिर टेस्ट करके बताएंगे कैसा बनाएंगे। ऊपर आपकी सीटी भी है। तो अब पहले हम लोग नहा लेंगे, क्योंकि मैं मार्केट से आई ना डायरेक्ट, ऐसे ही आके मैंने वीडियो करना शुरू कर दिया, बहुत पसीना पसीना हो चुकी हो दीदी, तो और भी ज़्यादा पसीना पसीना हो चुकी है। तो पहले हम लोग नहाएंगे, फ्रेश होंगे, उसके बाद आराम से खाना खाएंगे। और खाना खाने से पहले आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे तो कैसा बना है क्या है, उसका रिव्यू तो मैं ही दूंगी। तो चलो फिर मैं आती हूँ नहा के, फिर आपसे बनती हूँ। सो अब मैं आ चुकी हूँ नहा के, और नहा के काफ़ी ज़्यादा फ्रेश फील हो रहा है। और अभी हम करेंगे अपना डिनर, जैसे कि आप लोगों को पता है हमारे डिनर पे आज क्या है, और पुलाव जो कि पहली बार दीदी ने बनाया है। सो अभी फटाफट कर लेते हैं पेट पूजा, फिर मिलती हूँ मैं आपसे, और है ना फिर मिलती हूँ आपसे। और कुछ बोलना है बाद में बोलते हैं, ठीक है, पहले खाना खा लेते हैं, बहुत ज़ोर की भूख लगी है। है मम्मी का फ्रेश, क्योंकि वो चिकन खाएगी नहीं, और साथ में उन्होंने लिया है ये पीस के लिए, कि भूत चलो क्या, भूत चलो क्या लिया है, भूत चलो क्या, आइयो मो कमर से ये। तो ये पुलाव और ये चिकन, कैसन बा ठीक बा, ठीक ठाक ही है, खाने लायक बना है। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, भाई मजा आया। सो अभी हमने अपना अपना पेट पूजा कर लिया है, हम तीनों ने अपना खाना रात का खा लिया है, अच्छा बना था, बन गया अच्छा, बन गया अच्छा। तो अभी हमने अपना पेट पूजा कर लिया, और अभी करेंगे क्या, रात का वक्त है, क्या कर सकते हैं, सोएंगे और क्या करेंगे ना, सोचेंगे थोड़ी देर के बाद। अभी तो अगर मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि ना मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फिलहाल। और कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है देख के। और जिन जिन ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और फिर मिलते हैं हम आपसे इसी तरह से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिए, मुझे याद करते रहिए और मेरी वीडियो को शेयर करते रहिए।